everyone, so if you're new to this channel, hi, my name is Trishla and welcome back to my YouTube channel which is God Son Girl. Please take a moment and subscribe to my channel below. So guys, आज का वीडियो कोई मेकअप वीडियो नहीं होने वाला है. मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी इस वीडियो के इंट्रो में. मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहती हूँ जो इंस्टाग्राम पे बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है. सो ये वीडियो होने वाला है माइक्रो क्रिएटर्स के लिए जिन्होंने अभी अभी इन्फ्लुएंसर की जर्नी स्टार्ट की है. उन सारे क्रिएटर्स के ऊपर जो स्कैम चल रहा है, प्लीज़ गाइस पे अटेंशन टू दिस वीडियो. ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है एंड आई थिंक ये आपको गाइड भी बहुत करने वाला है. सो प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो. रैंडमली आपको किसी इंस्टाग्राम आईडी से मैसेज आएगा, हाय आई एम वर्किंग विद दिस फेमस ब्रांड एंड दिस स्किन केयर कंपनी और ऐसा कुछ करके. सो मेरे पास भी एक मैसेज आया था, मैं आईडी मेंशन करना चाहूँगी. वो आईडी थी 12_mitali_22 ऐसा करके उनकी आईडी थी. तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, हाय यू कैन अपलोड सम माय कंपनी स्किन केयर प्रोडक्ट एंड वी विल पे यू 5,000 rupees फॉर 48 hours. मुझे पता था क्योंकि मेरे पास इस ऐसा ही मैसेज पहले भी एक ब्रांड का आ चुका था. सो मैंने सोचा एक बार ट्राई करना चाहिए क्योंकि पहले वाली जो आईडी से मुझे मैसेज आया था उनसे मेरी ज़्यादा कन्वर्सेशन हुई नहीं क्योंकि मैंने उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया था. बट सेम मैसेज मुझे वापस आया और 5,000 rupees फॉर जस्ट अपलोडिंग अ पिक्चर. तो ऐसा तो कोई ब्रांड मुझे नहीं लगता कि कोई करता होगा. सो मैंने अभी ट्राई करने के लिए मैंने उनको बोल दिया, श्योर आई विल डू दैट. तो उन्होंने मुझे 3 पिक्चर्स भेजे, मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी, स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगी विद प्रूफ मैं ये बोल रही हूँ. 3 पिक्चर मुझे भेजी थी कि आपको ये पिक्चर को 2 दिन तक अपलोड रखना है, 2 दिन तक लगाना है और फर्स्ट अपलोड के बाद में ही आपको पे मिल जाएगा. मैंने बोला ठीक है, ओके आई विल डू दैट. मैंने उनसे पूछा कि अब अपलोड करने के बाद मुझे, मतलब अपलोड के साथ साथ मुझे और कुछ भी मेंशन करना है क्या? तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा कुछ आपको मतलब मेंशन नहीं करना है, जस्ट आपको जो स्किन, मतलब जिस ब्रांड का हम आपको पिक्चर्स भेज रहे हैं उस ब्रांड को आपको टैग करना है और जिस आईडी से जिन्होंने मुझे मैसेज किया था हमें आपको टैग करना है. सो मैंने बोला ठीक है, ओके टैग कर देते हैं, मुझे इसमें कोई इतना इशू नहीं लग रहा था अभी तक. सो मैंने बोला ठीक है कर लेते हैं. उसके बाद में मैंने जब ब्रांड को टैग किया, ब्रांड आराम से टैग हो गया था क्योंकि पता है ब्रांड तो ऑब्वियसली बड़ा ब्रांड टैग हो ही गई. बट द प्रॉब्लम इज कि जब मैंने उस पर्सन को टैग करने की कोशिश की, यानी मिताली को जब टैग करने की कोशिश की, तो वो टैग नहीं हो रहा था. सो मैंने उनको मैसेज करके बोला, मैंने बोला ब्रांड टैग हो चुका है बट आप टैग नहीं हो रहे. अगर रियल जेन्युइन पर्सन होता तो वो बोलता नहीं, हम ट्राई करते हैं कि आपसे टैग कैसे नहीं हो रहा है. बट उन्होंने मुझे बोला प्लीज़ लीव इट, कोई बात नहीं, आप सिर्फ ब्रांड को टैग कर दीजिए. मैंने बोला ठीक है ओके. सो आई अपलोड द पिक्चर जस्ट फॉर उसको विश्वास में लेने के लिए. वो लेडी ने मुझे जो आईडी मेंशन करी थी ब्रांड की, वो थी हिमालया. सो उन्होंने मुझे रियल ब्रांड को मेंशन करके भी बोला कि आप इस पे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे वेरीफाइड पेज भी देख सकते हैं कि हमारे ब्रांड का, मतलब कि हमारे ब्रांड का वेरीफाइड पेज है और हमारा ब्रांड एक बहुत बड़ा ब्रांड है. आई नो आई यूज़ हिमालया प्रोडक्ट्स, सो मुझे पता है कि हिमालया बहुत बड़ा ब्रांड है. सो यहाँ तक तो सब सही चल रहा था, उसको भी लग रहा था कि मैं उसके झांसे में फंस चुकी हूँ. बट द सेकेंड थिंग इज़ उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सेंड वॉट यू विल लाइक टू रिसीव दिस कैश, मतलब ये पैसा आपको किस वे में चाहिए. उन्होंने मुझे मैंशन किया था पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, पेपल एंड बैंक अकाउंट. तो मैंने बोला मैं गूगल पे पर रिसीव करना चाहूँगी क्योंकि मुझे गूगल पे थोड़ा सेफ लग रहा था उसे, क्योंकि बैंक अकाउंट वगैरह मैं उनको देना नहीं चाहती थी. ओके सेंड मी योर गूगल पे नंबर एंड नेम. तो मैंने बोला मेरे पास जो UPI आईडी होती है मैं उससे पे लेना चाहूँगी. तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है ओके होल्ड ऑन. देन द फिशी पार्ट स्टार्ट. उन्होंने मुझे ये बोला कि कंपनी ने आपका पेमेंट रोक दिया है बिकॉज उनको कन्फर्म करना है कि आप राइट पर्सन हो जिनको हम पेमेंट कर रहे हैं. सो उन्होंने ये बोला कि उनका जो ईमेल एड्रेस है उनको मैं, मतलब अपने जो इंस्टाग्राम की एडिट प्रोफाइल में कॉन्टैक्ट में जो अपना ईमेल डाल रखा होता है वहाँ पर उनका ईमेल ऐड करना है. फिर जो उनके पास जो कोड जाएगा उस कोड के थ्रू अपने अकाउंट में उसको वेरीफाई करना है कि ये ईमेल हमने ऐड किया है और उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे उनको भेजना है. सो मैंने उनको इतना सा बोला कि आप अपने इंस्टाग्राम पे इसको ऐड करके मुझे बता दीजिए कि ये कैसे करना है. तो उन्होंने बोला नहीं, आपको हमारे इंस्टाग्राम आईडी से समझ नहीं आएगा, आप अपनी इंस्टाग्राम आईडी का स्क्रीनशॉट भेजोगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा. आई डोंट नो उसमें उनकी क्या ट्रिक थी बट मैंने उनको नहीं भेजा. सो फिर मैंने सोचा अगर मैं ईमेल को मेरे अकाउंट में ऐड करूँगी उस ईमेल के थ्रू मेरे अकाउंट का एक्सेस उनके पास चला जाएगा और उससे मेरा अकाउंट हैक हो सकता है. सो मैंने उनसे सिर्फ इतना सा बहाना बनाया कि मुझे ये सब आता नहीं है, आप लोग मुझे बता दो कि कैसे कैसे ऐड करना है. सो आपको ईमेल कैसे ऐड करना है. तो ओके गो टू योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल, एडिट
प्रोफाइल पे क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन, क्लिक टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड देन क्लिक ऑन कॉन्टैक्ट इन्फो। मैंने बोला था ना गाइस कॉन्टैक्ट में ऐड कर सकते हैं अपन ईमेल एड्रेस, तो वही हुआ। देन यू हैव टू क्लिक ऑन ईमेल एंड देन ऐड द कंपनी ईमेल एंड देन क्लिक इंस्टाग्राम प्रोफाइल, क्लिक नेक्स्ट एंड आई विल सेंड द कन्फर्मेशन कोड टू योर कन्फर्मेशन एंड देन स्क्रीनशॉट। सो उन्होंने बोला जस्ट डू दिस एंड दिस इज़ वेरी सिंपल स्टेप एंड ये आप कर सकते हो ऐसे वैसे। तो मैंने बोला हाँ, ताकि आप लोग मेरा पासवर्ड रीसेट कर लो और मेरे अकाउंट को हैक कर लो। तो फिर उसके बाद में मेरी बहुत बहस चली उन लोगों से, हम ऐसे नहीं हैं, हम फ्रॉड नहीं हैं, हम रियल हैं, आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट चेक कर सकते हो, अगर फेक होते तो इतने बड़े ब्रांड का नाम हम कैसे ले सकते। मैंने बोला ब्रांड का नाम आप यूज़ कर रहे हो बट विद द रॉन्ग ईमेल एड्रेस, ताकि लोग बातों में आ जाए। पुराने किसी अकाउंट से जो मुझे मैसेज आया था उसमें भी ऐसा ही था, उनका ईमेल आईडी मुझे ऐड करना था। सो द कंपनी ईमेल यू नीड टू ऐड इन योर इंस्टाग्राम सो दे कैन नो दैट यू आर सेंडिंग द राइट पर्सन, जिससे कंपनी को पता चल जाएगा कि आप राइट पर्सन हो जिसको वो पेमेंट कर रहे हैं, कि उन्होंने जो ईमेल अकाउंट मुझे दिया था और जो ओरिजिनल ईमेल आईडी जो थी ब्रांड की, उसमें बहुत डिफरेंस था, जस्ट वन वर्ड का डिफरेंस था। सो ये थी जो फेक ईमेल आईडी उन्होंने मुझे भेजी थी वो, एंड दिस वन इज़ द रियल ईमेल आईडी जो ब्रांड ने अपने पेज पे डाल रखी है। मेरे दिमाग में इसलिए क्लिक हुआ क्योंकि मैंने जो पेज क्लिक किया था ना, तो मैंने उसके कॉन्टैक्ट में आपको कॉल के लिए और ईमेल के लिए दोनों कॉल करके ऐसा लिखा हुआ आता है इंस्टाग्राम पेज पे, तो मैंने उस पर क्लिक किया था तो वहाँ लिखा था 01। तो आप ऑफिशियली इंस्टाग्राम पे जाकर हिमालया फेस केयर सर्च करोगे ना, और यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट का साइन बना हुआ होता है, उस पर क्लिक करोगे ना तो आपको यहाँ पर ईमेल दिखाएगा और उसमें लिखा होता है हिमालया फेस केयर 1@gmail.com, जो ये वाला जो ईमेल एड्रेस है ना वो वाला राइट है। और उन्होंने जो मुझे भेजा था ना वो था हिमालया स्किन केयर 0@gmail.com। तो हम भी इतना माइंड में क्लिक नहीं कर पाते कभी कभी कि ये सही है या गलत है। उन्होंने मुझे ये वाला भेजा कि आप ये वाला ऐड करो, रॉन्ग वाला। तो मैंने उनसे पूछा कि ये वाला तो ऑफिशियल पेज पर नहीं दे रखा है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये वाला करेक्ट है। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, वो वाला सिर्फ ऑर्डर्स के बारे में या आपको कोई क्वेरी हो उसके लिए होता है, जो ये वाला हम ईमेल एड्रेस भेज रहे हैं ना वो स्पेसिफिक आपके जो कोलैबोरेशन और इन सब के लिए होता है। फिर मुझे थोड़ा कुछ लगा, थोड़ा अजीब तो लग रहा है, क्योंकि अगर ब्रांड्स का होता तो ब्रांड इतने छोटे क्रिएटर्स या छोटे ऐसे लोगों को स्पेसिफिक नहीं बोलते हैं कि आप लोग इससे कांटेक्ट करो। फिर भी आजकल लोग हायर करते हैं, अपनी कोलैबोरेशन की टीम अलग रखने लग गए हैं ब्रांड्स, तो हो सकता है कि ये वो। फिर मैंने उनको बोला कि सॉरी आई विल नॉट डू दैट। मैंने उनको बोला दिस इज़ अ फ्रॉड ट्रिक जो आप लोग कर रहे हैं, एंड मैंने उनको बताया भी कि अर्लियर आई गॉट द सेम मैसेज और ये सब। उन्होंने बहुत 100% ट्राई किया कि मैं उनकी बातों में आ जाऊँ। उन्होंने मुझे बोला कि आप लोग लिस्ट भी देख सकते हैं हमारे साथ इतने इतने लोगों ने काम किया है। मुझे ये तक बोला गया कि आप कोई पहले इंसान नहीं हो जिनके साथ हम ऐसा वर्क कर रहे हैं, आप कोई लास्ट इंसान भी नहीं हो जिनके साथ हम ऐसा वर्क करेंगे। उन्होंने बोला अगर आप फ्रॉड नहीं हो तो 2-3 दिन में आपकी आईडी नहीं हटनी चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, नहीं हटेगी। उन्होंने मुझे बहुत कोशिश करी पटाने की कि हाँ हम रियल हैं बट हम फ्रॉड नहीं हैं, हम ये नहीं हैं, ऐसा करके मैनिपुलेट करने की बहुत कोशिश करी थी उन्होंने। उन्होंने मुझे ये भी बोला कि हम बहुत बड़ा ब्रांड हैं, हम ऐसे बड़ा ब्रांड होकर भी इतनी गंदी हरकत तो नहीं करेंगे, फ्रॉड नहीं करेंगे कस्टमर के साथ ये वो। उन्होंने बोला आप ब्रांड के नाम पर लोगों को पागल बना रहे हो। फिर उन्होंने मुझे बोला कि ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पर्पज़ के लिए है, उसके अलावा किसी के लिए नहीं है, ये कोई फ्रॉड नहीं है, ये रियल है, ऐसा कुछ मतलब हम आपके साथ नहीं करेंगे, प्लीज़ ट्रस्ट अस, ये वो। उन्होंने कोई बात नहीं, मुझे ये नहीं करना है। बहुत देर तक वो मेरे पीछे पड़ी रही, आपको करना चाहिए, हम फ्रॉड नहीं है, ये वो। मैंने उनको 2-3 बार आराम से प्यार से बोला, उसके बाद में मैंने बोल दिया मैं इसकी साइबर सेल में कंप्लेन करूँगी ऐसा कुछ करके। तो उन्होंने बोला ठीक है, हमने आपको वैसे भी इस कोलैबोरेशन से निकाल दिया है एंड ऑल दैट। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं करना है कोलैबोरेशन। तो बोले हमने वैसे भी आपको निकाल दिया है, आपकी हमें अब नीड नहीं है। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला अगर ये अकाउंट रियल है तो ये हटना नहीं चाहिए। फिर नेक्स्ट डे इवनिंग तक मुझे मैसेज आया कि देखा आपने हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट फेक नहीं था, तभी अभी तक मेरी आईडी नहीं हटी है, ये वो, और आपने कंप्लेन नहीं करी अभी तक, ये वो, आपको कर देनी चाहिए थी, हम फेक नहीं है, ये। मैंने बोला कोई बात नहीं, मुझे आपके साथ कोलैबोरेशन नहीं करना है।
फिर उसके बाद में उन्होंने मुझे फिर भी कन्विंस करने की बहुत कोशिश की, बट मैंने उनको क्लियरली बोल दिया कि मुझे ये कोई भी कोलैबोरेशन नहीं करना है। सो ऐसा ही हुआ, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट एक दिन तक तो नहीं हटा। नेक्स्ट डे इवनिंग में उन्होंने मुझे ये सब टेक्स्ट किया। उसके दो तीन दिन बाद में मैंने वापस इंस्टाग्राम जब चेक किया तो वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा था इंस्टाग्राम यूज़र। अब जब भी कोई आईडी आप ब्लॉक नहीं करते हो या फिर किसी को हटाते नहीं हो या आपकी आईडी डिलीट नहीं करते हो या आपकी आईडी बंद नहीं होती है, तब तक आपका नाम लिखा हुआ आता है, वरना लिखा हुआ आता है इंस्टाग्राम यूज़र, और वहाँ पर इंस्टाग्राम यूज़र लिखा हुआ आ रहा था। तो मैं समझ गई कि मैं एक बहुत बड़े स्कैम से निकल चुकी हूँ, क्योंकि उसकी वजह से मेरा इंस्टाग्राम हैक हो जाता। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से बहुत कुछ कर सकते थे, क्योंकि आजकल बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। फ़ोटोज़ को AI से हेल्प से एडिट करके डालते हैं, या फिर मेरे फ्रेंड्स को गलत मैसेज भेज सकते थे, या मेरी आईडी से कोई गलत मैसेज कन्वे कर सकते थे। तो मैं इतने बड़े स्कैम से बच गई। सो ये था बहुत बड़ा स्कैम जो मेरे साथ होते होते रह गया, क्योंकि पता नहीं भगवान की दया से मेरा दिमाग कैसे चला और मैंने इन सब में, भगवान चाहता था कि मैं ये चीज़ ट्राई करूं ताकि मैं आप जैसे लोगों के साथ में शेयर कर सकूं, क्योंकि सबसे बड़ी आज की जनरेशन को है पैसे कमाना। मतलब आज की जनरेशन को चाहिए कि हम इंस्टाग्राम के थ्रू या इन सब वेबसाइट्स के थ्रू या फिर रील्स वगैरह के थ्रू, शॉर्ट्स वगैरह के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू इनकम जनरेट करें। अच्छी बातें करनी भी चाहिए, मैं खुद भी करती हूँ, बट द थिंग इज़ कि इसी का सहारा लेके बहुत सारे फ्रॉड और जो स्कैमर्स लोग होते हैं ना, वो हम जैसे इनोसेंट लोग का फ़ायदा उठाते हैं, और हम जैसे इनोसेंट लोग उनकी बातों पे यकीन भी कर लेते हैं। जस्ट वन वर्ड का डिफरेंस था जो ओरिजिनल ईमेल था और जो उनका फ्रॉड वालों का ईमेल था उसमें। मैं यहाँ पर ब्रांड का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि अगर आप में से कोई उस ब्रांड को जानता है या उसके ब्रांड के कोई भी आपके कॉन्टेक्ट में है, तो प्लीज़ ये वीडियो उन तक भी पहुँचाना। ये वीडियो प्लीज़ मेरे जैसे यंग न्यू क्रिएटर्स के पास भी पहुँचाना, क्योंकि उन लोगों को इस टाइप की गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। अब इन लोगों ने आपको 5,000 रुपीज़ का लालच दिया है, और जस्ट अपलोडिंग अ पिक्चर, एक पिक्चर अपलोड करने के लिए कोई भी ब्रांड आपको इतने पैसे नहीं देगा। प्लीज़ गाइज बी अंडरस्टैंड कि आपके साथ क्या स्कैम हो रहा है। ये सारे स्कैम्स ऐसे छोटे क्रिएटर्स के साथ ही होते हैं ताकि उनको अपनी बातों में लेना काफ़ी ईजी होता है इन लोगों के लिए। सो प्लीज़ गाइज कीप योर आई ओपन। जो भी आप काम कर रहे हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन कहाँ दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, किस वजह से दे रहे हो, और जो जिस सोर्स को आप दे रहे हो वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं, प्लीज़ इतना ध्यान रखना। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। प्लीज़ 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 शेयर दिस वीडियो। मेरी कोई भी वीडियो शेयर नहीं करोगे मुझे चलेगा, बट प्लीज़ गाइज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना, जो क्रिएटर्स हैं या फिर जो अपना टाइम देते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। ये स्कैम आप लोगों के साथ किसी और प्लेटफॉर्म पे भी हो सकता है, किसी और वे में भी हो सकता है। सो प्लीज़ गाइज बी अवेयर। मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही पर्पज़ था कि मैंने जो भी सीखा वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आप में से किसी के साथ भी ऐसा कुछ ना हो। प्लीज़ गाइज जहाँ पर भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, प्लीज़ चेक करना, डबल चेक करना। आपको नहीं समझ आता है तो प्लीज़ आप मुझे टेक्स्ट करना, मेरा इंस्टाग्राम यहाँ पर मेंशन कर दूंगी, या नीचे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। सो या दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज़ रियली हेल्पफुल टू यू, एंड प्लीज़ गाइज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, इससे किसी की हेल्प हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। एंड ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, शो योर लव। Bye.